छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को कोविड-19 जानलेवा बीमारी में टीटी स्टाफ को मार्केट में भेजकर मार्केटिंग करने का आदेश जारी किया है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को रायपुर डिवीजन टिकट चेकिंग स्टाफ के द्वारा पत्र लिखकर आदेश को वापस लेने की बात कही है। डिवीजन टिकट चेकिंग स्टाफ कोविड-19 जो एक जानलेवा बीमारी है पूरे दुनिया में WHO ने घोषित किया। ऐसे वक्त में जहां भारत सरकार का आदेश है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले, लेकिन पूरा टिकट चेकिंग स्टाफ मार्केटिंग के लिए जो आदेश दिए हैं जिसमें स्टाफ को मार्केट में दुकान दुकान जाकर दुकानदारों और ट्रेडर्स से मिलना पड़ेगा और टीटी को कोरोना होने की संभावना है। रायपुर और दुर्गा रेड जोन में चल रहे हैं और कोविड-19 बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन वही रेलवे बोर्ड ने टिकट चेकिंग स्टाफ को मार्केट में जाकर दुकानदारों ट्रेडर्स से मिलना पड़ेगा और मार्केटिंग करना पड़ेगा। उस आदेश को रायपुर डिवीजन टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा वापस लेने को लेकर पत्र लिखा है। अब देखना यह होगा कि रायपुर टीटी डिवीजन की मांग कब तक पूर्ण होता है। हम लोग टिकट चेकिंग स्टाफ हैं। हम लोगों की ये मांग है कि रेलवे बोर्ड से एक आदेश आया है जिसमें हम लोगों को बोला गया है कि आप लोग आइडल बैठे हैं, मतलब हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। जबकि हम लोग अभी तक के कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले तक के श्रमिक स्पेशल्स जो चल रही थी उनमें हम लोग काम कर रहे थे। 18-18, 20-20 लोग एक एक ट्रेन में आते थे, ड्यूटी करने के लिए आते थे एक एक शिफ्ट में। अभी जो है ये है कि जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें भी हम लोग की ड्यूटी लग रही है और हम लोग आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग फालतू बैठे हैं, लेकिन उनका ये सोचना है कि हम लोग शायद फालतू बैठे हुए हैं। एक तरफ WHO बोलता है कि कोरोना जो है ये जानलेवा है, इसको हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने भी बोला है कि हाँ ये जानलेवा है, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर मत निकलिए। हमारा रेलवे बोर्ड बोलता है कि साहब आप जाके पार्सल के लिए मार्केटिंग कीजिए, दुकानें आधी बंद हैं, कहीं पे कुछ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं हो रहा, गाड़ियां बिक गई लोगों की, ट्रकें बिक गई लोगों की। रेलवे से उनका कहना है कि माल जो है लाना ले जाने के लिए आप जाके दुकानों दुकान जाइए, ट्रेडर्स के पास जाइए, फैक्ट्रियों में जाइए और यहाँ पे लोगों को इंसिस्ट कीजिए कि उन लोग सामान लाना ले जाना रेल के थ्रू करें। अब आप एक चीज़ बताइए कि इसमें हम अगर मार्केट में निकलेंगे तो क्या हमारी जान को खतरा नहीं है? रेलवे बोर्ड या रेलवे बोर्ड के अधिकारी हमारे माँ बाप हैं, क्या वो इस तरह का डिसीज़न लेने के पहले उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि भाई हमारे बच्चे कल की तारीख में मार्केट में जाएंगे तो उनको भी कोरोना हो सकता है, वो लोग भी कोरोना के, हम लोग सिर्फ संक्रमित नहीं हो सकते, अगर मैं संक्रमित हो गया तो ये सोचिए कि मैं संक्रमण फैलाऊंगा भी, क्योंकि कल मैं एक आदमी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मार्केटिंग का काम है तो टारगेट दिया जाएगा 20 आदमी से मिलो, 25 आदमी से मिलो एक दिन में। तो सोचिए कि मैं एक हफ्ते में या एक महीने अगर ये काम करूंगा तो कितने लोगों को मैं कोरोना नहीं फैलाऊंगा, मेरे थ्रू कितना कोरोना फैल सकता है और मेरे को कहां कहां से नहीं कोरोना लग सकता है। तो हमारा कहना है आपको अगर ऐसा लगता है कि हम फालतू बैठे हैं तो आप हमको टिकट चेकिंग से ही संबंधित जो हमारा कैडर का काम है वो काम दीजिए ना, आप हमको मार्केट में क्यों भेज रहे हैं, आप हमारी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं, आपको हमसे काम लेना है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ स्टाफ को लगाना चाहिए रेल के अर्निंग के लिए, हम जब रेल का काम चलता था, जब अच्छे से चलती थी तो हम लोग WT भी पकड़ते थे, गलत टिकट वालों को भी पकड़ते थे, लोगों को बर्थ भी देते थे, लोगों की जान भी बचाते थे, ट्रेनों में हम लोगों ने बहुत से लेडीज़ लोगों की डिलीवरी भी कराई, लोगों को जो भी दिक्कत होती थी हम लोग सब करते थे। लेकिन आज की तारीख में आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई टिकट चेकिंग कैडर जो है वो किसी काम का नहीं है, आप इस तरह से जो सोच है वो बहुत गलत है और हम चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड इस आदेश को वापस ले और हम लोगों को सिर्फ टिकट चेकिंग में ही लगाए जो कि हम लोगों का कैडर का काम है। नहीं, ये रेलवे बोर्ड से ऑर्डर निकला है, ये पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ है, धीरे धीरे हर जगह शुरू कर रहे हैं। अभी रायपुर हो गया, अभी कल, अब सोचने की चीज़ें है कि जबलपुर हो गया, रायपुर हो गया, भोपाल हो गया, रतलाम हो गया, अभी तो बिलासपुर हो गया, कल जो है हम लोगों को खबर लगी है कि गोंदिया में लेडीज़ लोगों को भी मार्केटिंग में लगा दिया गया। सोचिए, मतलब हम लोग को, मतलब सीधे सीधे आप जान हमारी भी जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये बहुत विचारणीय है। सरकार को एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि इसमें मुझे या स्टाफ को
या और दूसरे लोगों को क्या खतरा हो सकता है,